हेलो अब जो है हम मैया को बुला रहे हैं, देखते हैं मैया कहाँ है आ क्या कर रहा है। हेलो सिंह दरबार में है, राजा गोपीचंद आपको बुला रहे हैं। क्या पुत्र बुलाए हैं? जी मंत्री जी, जी। देखते क्या है पुत्र, शीघ्र चलो अपने पुत्र के पास। ठीक है मैया चलो। बाजार दुलारा
हाँ पुत्र, आज मैं तुम्हारे पास चल करके आया हूँ दरबार को छोड़ करके। तू तो जानती है कि मैं तुम्हारे कहने के अनुसार आज बहुत दिनों से इस राज को चलाते हुए आ रहा हूँ। लेकिन माँ, लेकिन क्या पुत्र, मुझे दरबार में दिल नहीं लगता, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए शिकार खेलने के लिए जंगल जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या पुत्र, तुम जंगल शिकार करने के लिए जाने के लिए चाहते हो? हाँ माँ। लेकिन पुत्र, जंगल शिकार करने के लिए मत जाओ पुत्र अभी। क्यों माँ? इसलिए पुत्र, महल में तो रहना जरूरी है पुत्र, जब तुम्हें देखती नहीं हो पुत्र, तुम तो जानते हो तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रहती हूँ पुत्र। माँ, लेकिन ना जाने आज कई दिनों से मेरा दिल उदास है दरबार में। मेरा मन करता है कि मैं शिकार खेलने के लिए जंगल जाऊं। सिर्फ कुछ दिनों की तो बात है, हवेली में मेरी महारानी है, मेरी महारानी को समझा बुझा करके रखना और मैं कुछ ही दिनों के बाद शिकार खेल करके वापस आ जाऊंगा। इसलिए कि तू जानती है जिस राज के राजा राज में जंगल में शेर बूढ़े हो करके मर जाते हैं, उस राज के राजाओं को राज वध लगता है माँ, इसलिए मेरा कहना मानो और मुझे जंगल जाने दो। पुत्र, अरे तुम जंगल जाने के लिए इतना जिद कर रहे हो पुत्र, तुम जंगल अवश्य जाओगे पुत्र, लेकिन पुत्र तुम शिकार पूरा पश्चिम उत्तर की दिशा खेलना, लेकिन पुत्र पश्चिम की दिशा शिकार मत खेलना पुत्र। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। धीरे धीरे हवेली में चली जा और अपने कक्ष में जाकर के आराम करो। क्यों नहीं पुत्र, और मैं इसी जगह से शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहा हूँ। ठीक है पुत्र, जाओ पुत्र। महामंत्री, प्रणाम प्रणाम। मेरा धनुष बाण ले आ। की करेल जी भोसे हाँ। मैं जंगल जा रहा हूँ शिकार खेलने के लिए और माँ का देखभाल तू करना। अच्छा। मैं जंगल से शिकार खेल करके बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा बिजली। धनुष बाण का नियंत्रण जाओ ले आ।